औरत जो है ना वो पराया घर होती है, तो वो जहाँ भी जाती है उसको पता है कि जगह तो कहीं की नहीं है, तो जिधर भी हमने बनानी होगी ना वहाँ पे हम मेहनत करके बुला लेंगे। लड़कियाँ जो है ना वो ज़रा अडेप्टेबल इसलिए होती है बिकॉज उनको लाइक रेज ही इस तरह किया जाता है कि यू हैव टू सर्वाइव कंसिस्टेंटली ऑन योर ओन। ओके, दूर के ढोल सुहाने वाली बात है कि हमें अच्छा लगता है कि इस तरह से होगा। अब हम अगर मुल्क के एसेट्स बेचेंगे तो मुल्क के लोगों को भी बाहर बेच दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शिजा विद कॉकटेल और आज हमारे साथ हैं आमना। एंड आमना इज वेरी सैड बिकॉज आमना ने कोई फिल्म देखी है एंड दैट हैज अपसेट हर ऑन अ नंबर ऑफ लेवल्स। तो बात करते हैं आमना से, पूछते हैं व्हाट हैपेंड। It's completely true. Vicky Kaushal dies in the film. I can't deal with it. I don't know how Katrina deals with it, but I can't see Vicky Kaushal hurt himself. I cannot. This world doesn't deserve him. He's too pretty for this world. Oh God, so the world doesn't deserve him. Yeah, he does not deserve this world, maybe. कोई बात नहीं होती यार, मतलब वैसे फिल्म जो है ना कॉन्टेक्स्ट के लिए, वो शाहरुख खान की नई फिल्म है डंकी, ठीक है, जो अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। एंड बेसिकली इट्स जस्ट लाइक ऑब्वियसली लाइक थोड़े से मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोग जो है ना उनका डिफरेंट स्ट्रगल होता है वीज़ा लेने का, बट ये तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक उस जगह से आ रहे थे, उस तबके से लोग हैं जिधर लाइक ये ख्वाब देखना कि आपका वीजा लग जाए, इतना ज्यादा बड़ा एक ख्वाब होता है कि आपकी पूरी जिंदगी नहीं, लेकिन ये आइडिया है कि उन्होंने इमेजिन भी किया कि वीजा लग जाएगा और फिर एक पूरी स्ट्रगल है कि हमने वीजा लेना है, पूरी प्लानिंग है, पूरा गांव मिलके प्लान करेंगे भाई हम वीजा लेके रहेंगे। एक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग था और वो जो जहाज लगाते हैं ऊपर घरों के, हाँ, वो एक बड़ा कि मतलब यू नो एक स्टेटस सिंबल है कि हमारा हम बाहर हमारी फैमिली या कोई बाहर कोई वहां से है या वहाँ की सिटीजनशिप है, मतलब कि इतनी ज्यादा उन लोगों के लिए तो सबसे पूरी जिंदगी बेसिकली, पूरी मूवी में भी उन्होंने दिखाई है कि पूरी जिंदगी लग जाती है उस स्ट्रगल के अंदर। तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे पहले कि लाइक जनरली आप किस तरीके से लाइक उन्होंने सारे तरीके दिखाए उसके अंदर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप अंग्रेजी सीखो, स्टूडेंट वीजा लगवाओ, या जो उन्होंने यहाँ से दिखाया वो बहुत बड़ा नाइटमेयर दिखाया है ना, वो वाला लेवल है जो मैं कभी अचीव नहीं कर सकती। और सोचो एक जमाने में लोग जो है ना जॉब के सिलसिले में जाते थे जिनका जॉब लग जाता था बाहर, अब तो वो तो ऑप्शन भी नहीं है ना फिल्म में, वो तो उन्होंने ख्वाब तो क्या उन्होंने प्रटेंड भी नहीं किया कि हाँ आपका इस वाली एजुकेशन के साथ वो वाला जॉब लग जाएगा। माई डैड इन फैक्ट वेंट लाइक मेरे अबू गए थे तकरीबन 1980s के अंदर, 86 के अंदर, और वो फिलाडेल्फिया रहे थे दो साल पूरे, उनकी कोई स्पेशलाइज्ड किस्म की एक रिसोर्स थी और सिर्फ वो ही जानते थे कि उस तरह की टाइपोग्राफी या काम किस तरह करना है, तो उन्होंने प्रॉपरली स्पेशली बुलाया था। और लाइक वो भी क्या जमाने थे यार भाई, उस जमाने में जो लोग गए हुए मैं कहती हूँ अपने अम्मा पापा को कोसती रहती हूँ भाई आप लोग क्यों नहीं गए, आप लोग यहीं पर क्यों बैठे रहे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के बैठ जाते हैं ना, तो वो ये वाला जो मसला है ये अभी भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से एग्जिस्ट करता है। वैसे पाकिस्तान में लोग कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई हमने इधर ही रहना है और हमने इधर ही रहना है, हमारा जीना मरना इधर है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फिर चले भी जाते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान की शरह देखो तो पिछले साल सबसे सब चले गए, सबसे सोचे जलीलो ख्वार तो बात ये हो कि आपके माँ बाप गए हो, रहे हो ठीक 2-3 साल रहे हो, फिर वापस आकर उनके साथ कि चलो एक और बच्चा कर लेते हैं है या वापस आके That is hilarious. और ये बहुत बार ये मैंने अच्छा कुछ इस तरह से भी देखी जो खवातीन वहाँ पर होती है वो कंसीव ही वहाँ पे करती हैं, फिर उन्होंने बच्चा क्योंकि मैं क्या क्या करना होता है तो वापस आ जाती हूँ और बच्चा जो है बस वही मैं यू नो सो एक ये वाला भी एक मतलब there's a special place in hell for these people. You're cruel, you're evil. अच्छा लेकिन मेरे ख्याल से वीजा और another side फिल्म का फिल्म जो थी फिल्म कैसी थी? फिल्म काफ़ी लाइक उन्होंने इतनी सैड इतनी डिप्रेसिंग, एक तो मतलब मैं उस थीम से थक गई हूँ जिधर एक लड़का और लड़की जो है अगर एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता है तो वो किसी के साथ नहीं होते और इंतज़ार करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, इतना वीर ज़ारा इश उसने सिचुएशन कर ली थी एंड में, वो तो साइड की बात है, बट वीज़ा के लिए उन्होंने हर किसी की जो है ना जर्नी सेपरेट थी,
ऐसे भी होते हैं कि लाइक लड़कों के लिए जो प्रायोरिटी है वो ये है कि उन्होंने जो है ना उनको बहुत आदत हुई होती है कि उनके अपनी एनवायरमेंट जो है ना उनको बहुत ज्यादा वैलिडेशन दे. औरत जो है ना वो पराया घर होती है, तो वो जहाँ भी जाती है उसको पता है कि जगह तो कहीं की नहीं है, तो जिधर भी हमने बनानी होगी ना वहाँ पे हम मेहनत करके बुला लेंगे. जैसे लड़कियाँ एडजस्ट भी कर जाती है, लड़कियाँ बहुत एडजस्ट करती है, नहीं करते हैं. भाई यहाँ पे तो हमें खाना बना बनाया मिलते हैं, हम वहाँ पे खाना क्यों गरम करें? वो कहते हैं बट वो उस वजह से आते हैं कि वो अच्छा हमारी जो बॉयजिंग थी, जो हमारे बॉयज हैं, जो हमारा मेन ग्रुप और क्लैन है, लाइक देयर वेरी क्लैन फोकस्ड. लड़कियां जो है ना वो जरा अडेप्टेबल इसलिए होती हैं बिकॉज उनको लाइक रेज ही इस तरह किया जाता है कि यू हैव टू सर्वाइव कंसिस्टेंटली ऑन योर ओन. सो इफ यू गो अब्रॉड एज अ गर्ल एंड ऑनेस्टली लाइक वहाँ पे क्या ही था, लाइक वो भी उसकी तरह सड़ ही रही थी हर जगह. बट उसने पता है क्या किया, आई कुड सी इट थ्रू हर आइज, कि मतलब कि वो जो है ना सोच रही है कि वो क्या इंडिया के गांव में सड़ना चाहती है या वो बाहर जो है विदेश में सड़ना चाहती है. और उसने सोचा कि मतलब व्यूज तो सारे मिल रहे हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे जिंदगी तो मतलब कॉम्प्रोमाइज से किया. हाँ, जो कॉम्प्रोमाइज से खाया जाता उसे वो वहाँ पे किया. आई थिंक वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था. लेकिन मेरे ख्याल से जो इमिग्रेशन ऑफिसर का जो पार्ट था ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. कहोगी कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, टॉर्चर होता है अब तुम्हारे अपने घर में या नहीं है, बट लाइक आई थिंक दैट वाज वेरी इंस्टिगेटिंग. एक बड़ा एक अच्छा रिसेंटली लाइक ये पर्सनल सी बात है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, लोग भी इधर सुन लें. तो एक जो है ना आई नो दिस गाय, लाइक वो जो है ना बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा पे गया था, ही वेंट टू कैनेडा. तो उधर जो है ना उसको मसला हो गया क्योंकि ऑब्वियसली लाइक स्टूडेंट वीज़ा वो उस तरीके से गया था कि मतलब उसने जब जिस तरीके से उसने लाइक एडमिशन लिया था वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था. लाइक ही हैड टू पे कि पूरे पहले तीन सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी थी, लिविंग कॉस्ट, हर चीज़. तो उसका मिल मिला के जो है ना तकरीबन 10 लाख से ऊपर हर चीज़ का खर्चा था, लाइक इट वॉज वे मोर. फिर उसके बाद जो है जब वो उधर पहुँचा और ज़्यादा हेक्टिक उसने, बिकॉज उसने जिस तरीके से जाना था उसने पार्ट टाइम जॉब भी करनी थी, फिर इधर से भी पैसे लेने थे, उधर से भी लेने थे, ये भी करना था, वो भी करना था. उसके अंदर हालात उसके बहुत ख़राब हुए और हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई. फिर क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया कि वो लोग उसको डिपोर्ट करना चाहते थे मुल्क से. तो उसके लॉयर ने उसे कहा कि तुम असाइलम ले सकते हो. तो फिर उसने जो है इस बेसिस पे असाइलम ली कि वो जो है लाइक बेसिकली वो LGBTQ का हिस्सा है और उसको पाकिस्तान में परसिक्यूट किया जाता है. तो उसने कहा हाँ हाँ बहुत तशद्दुद होता है मेरे पे उधर, रह गया उधर. हाँ, सेट फॉर लाइफ. और उसके बाद उसकी ज़िंदगी क्या इम्प्रूव हुई, कसम से उसको काम भी नहीं करना पड़ा, वहाँ पे भी उसको एडवांटेजेस मिल गए, यूनिवर्सिटी में भी वो लेके चल गया. लाइक लेकिन ये कि मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत लोग सोचते हैं कि हमने जाना है और फिर मतलब वो नहीं होते थे यू नो कि दूर के ढोल सुहाने वाली बात है कि हमें अच्छा लगता है कि इस तरह से होगा ऐसा होगा, हम सोचते कुछ है वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता. तो दूर के ढोल सुहाने तो लगते, वो लड़की नहीं थी उसके अंदर, मूवी के अंदर ही थी, जिसके अंदर बेसिकली विकीज़ कैरेक्टर वो एक ऐसी लड़की को पसंद करता था जो जिसको भेज दिया था, है ना. और फिर वो लड़की जो है वो वहाँ पर जाके उसका शौहर उससे जो है बेसिकली उसको मारता पीटता था. और इस तरह के इंसिडेंट्स इतने होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं. अच्छा नहीं, एक तो ये फ़र्क तरह के लोग हैं ना जो शादी करके भेजते हैं, एक बहुत ही साइकोटिक किस्म की आवाम वो है जो वहाँ पर रेस करते हैं अपने बच्चों को, पाल पोस के उधर बड़ा करते हैं और फिर कहते हैं नहीं हम चाहते हैं कि ये हमारे कल्चर से भी सीखे और उनकी शादी यहाँ पर ला के कर देते हैं. तो जो बच्ची वहाँ पर पली बड़ी हुई यहाँ पर आके एडजस्ट होने पर उसके लिए मेरे हाथ से वो एक भी एक सुसाइड से कोई कम नहीं है. कम होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, बट ऐसे भी अनोखे लोग होते हैं, ऐसे भी. हाँ, ऐसे भी अनोखे, बट ज़्यादातर ऑनेस्टली अगर वीज़ा की स्ट्रगल के बारे में बात करें तो सबके लिए मुश्किल होता है. लाइक इतना ज़्यादा, लाइक एक
बेसिकली विजिट वीजा ही तो रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वहाँ पे जाके लोग जो है बस रह लेंगे। आप पाकिस्तान की पीआई एयरलाइन की होस्टेस बन जाए, मतलब वो तो चीती है ना, वो तो चीती है। और अल्लाह करे वो सीरियसली सारी दुआएं उसके साथ है। और उन्होंने अब जो है ना कनेडियन इमिग्रेशन रिफॉर्म और पुलिस से कांटेक्ट किया कि हमारा ये काम बंदोबस्त हमारा ख़त्म हो रहा है। मतलब अल्लाह ने अपनी इंशाल्लाह उनको वहाँ पे जो है ना वहाँ पे उनका फिट सीन कर दे। मतलब मेरी तो पूरी दुआ है उनके साथ। लेकिन इट्स सच अ बिग रिस्क है ना। हाँ बट आप एयर होस्टेस पीआईए की हो तो मैं समझ सकती हूँ, मतलब कोई और एयरलाइन भी नहीं है, पीआईए है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप बस जिस तरह पीआईए खाना छोड़ देगा जो लोग जाते हैं। मतलब वैसे ही पीआईए का यहाँ से दिवालिया निकला हुआ है। मतलब अगर आपने इस पे ही जाना था तो आप एक बग्गी पे चली जाती, वैसे ही डुनकी करा लेते कसम से। पीआईए बहुत, मतलब आपकी एयर होस्टेस जा रही है देख ले, मतलब एयर ब्लू सरीन बाकी सारे फिट है। हाँ वो जरा उनके एयर होस्टेस कहते हैं चलो ठीक है पीआईए में तो नहीं ना हम। इसके चाचू पीआईए के लिए बाकी भी काफी क्रीप्ड आउट किस्म की, आपका एयर ब्लू जो है मतलब के आई मीन मरगला हिल्स वाला इंसिडेंट हमें याद ही है। कोई भी एयरलाइन परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना होता है। नहीं परफेक्ट बनाना होता है दैट्स ट्रू, लेकिन ये कि ये तो एक हमारा यू नो एक जिसको कहते हैं हमारा कौमी खजाना जो अब हमने बेच दिया है, जो अब हमने बेच भी दिया है, दैट इज एक्सीलेंट। तो मतलब अगर हाँ अब हम अगर मुल्क के एसेट्स बेचेंगे तो मुल्क के लोगों को भी बाहर बेच दें, किसी को जर्मनी को बेच दें, किसी को फ्रांस को बेच दें, किसी को यूरोप को बेच दें। कनाडा में ही है भाई दे कोई मेरा से उन्होंने भी ना अपना वो प्रोसेस बनाया है कि तुम वहाँ पर अगली तुम आना फिर अगली तुम आना यू नो उन्होंने पूरी अपनी एक सिस्टर होल्ड। मतलब कनाडा इज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ अगर आपने वहाँ पे सेटल डाउन करना हो तो आई थिंक काफ़ी फिट है, मगर इतनी सर्दी इतनी ज्यादा भाई वो ढूंढ रहे हैं ना अपना वो कहते हैं हमने अपने उसमें भाई लाहौरियों को इतना कोल्ड शोल्डर मिलता है उनको लगता है कनाडा ही सही है। या हो सकता है ऐसा होता हो, ऐसा हो आई थिंक सो। मतलब यूज्ड टू हो जाते हैं ना आप यहाँ पे, लोगों का इतना ज्यादा कोल्ड एटीट्यूड है, आप वहाँ पे जाके डिफरेंस नहीं फील हो रहा, फर्क नहीं है इतना। हाँ नहीं मेरे ख्याल से और हमारा जो ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इस टाइम हो चुका है। एवरीबडी जस्ट वांट्स टू लीव, जो बस ना लीव करने वाले हैं वो ना हमारे ख्याल से हमारी जो कॉम के सुस्त मुंडे हैं ना बस वो कहते हैं हमने यहाँ पे बैठने क्योंकि मम्मा हमें यहाँ पे रोटी बना के देती है तो वहाँ पे तो कोई बना के देने वाला नहीं होगा, लॉन्ड्री हुई हुआ ही मिलती है। तो मेरे ख्याल से उनके अलावा बाकी सब कहते हैं हमने इस टाइम ज़्यादातर लोग आई थिंक जाना चाहते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस उनको पता है कि मतलब यहाँ पे आप जो है ज़िंदगी की क्वालिटी तो छोड़े मतलब कि आपको कुछ करने को कुछ लाइक एक्सपीरियंस करने को तो कुछ है नहीं, स्पेशली बच्चे। आई थिंक अब यंग बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं कि उन्होंने बस निकल जाना है किसी ना किसी तरीके से निकल जाना है, जायज़ बात है क्यों नहीं, क्यों ना जाएँ। और अगर वहाँ पर गरीबों की ज़िंदगी जीनी है वहाँ पे अफलास के अंदर ही रहना है तो फिर ठीक है, मतलब वो भी समझौता कर देते हैं कि ठीक है मतलब थोड़ी देर की तो स्ट्रगल है, हसल इधर भी है हसल उधर भी है, वहाँ पे हसल बस वर्थ इट है, वर्थ इट है। दैट इज ट्रू, यहाँ पर थोड़ा सा और हिसाब किताब होता है आई थिंक। लेकिन और सबसे लोएस्ट वैल्यू इमेजिन करो शजा, वहाँ पे जाओ ठीक है चलो कुछ भी वर्कआउट नहीं हो, कुछ भी उस तरीके से नहीं गया जिस तरह आप इमेजिन कर रहे थे, लीस्ट बाय लीस्ट आपके खानदान के लोग आपकी इज्जत तो दे देंगे, इज्जत तो दे, आप उन प्रटेंड लिटरली और आप उनसे प्रटेंड ही करें, लाइक वो भी बंदा प्रटेंड ही कर रहा था फिल्म में के मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट था ना। हाँ मेरे घर वाले जो है वो और वो शाहरुख खान उसे कहता भी है बीच में कि मतलब कि कहाँ है तुम्हारा घर, कहाँ है तुम्हारी गाड़ी, यही चीज़ें देख के जो है लड़के लड़कियां जो है उठ के यहाँ पे आना चाहते हैं, मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आ रही इस बात की, वो कहता है मतलब ये लास्ट चीज़ है मेरे पास। सीरियसली ये लास्ट चीज़ होती है कि आप बस शो ऑफ करते हो कि हाँ मतलब मैं बाहर हूँ और बैठा हुआ हूँ चिल कर रहा हूँ। और आजकल की अगर जिंदगी देखें तो मेरा शो ऑफ ज़्यादा अच्छा लगता है और वही लोगों को पसंद भी आता है और वही चलता भी है ना,
तो पीछे जो भी बैक एंड पे चल रहा है बस चलता रहे, वो तो दैट इज़ लाइफ, और वो होती रहती है, हर एक के साथ हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज और इंटरेस्टिंग। इसी होप्स में वीज़ा लगवाना चाहते हैं हम। इज़राइल और पैलेस्टाइन के बारे में बात ना करें। नहीं दूसरे के लिए खड़ी हुई है अभी तक। सही है, चले वो तो आई थिंक इट इट जस्ट हैपेंस, दिस अ प्रोसेस, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इसी के साथ आई थिंक आज का हम थोड़ा सा एपिसोड रैप अप करते हैं। अमना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ राइट टू अस एंड टेल अस, आप लोगों ने फिल्म देखी है, देखी तो आपको कैसी लगी, आपको कौन से मैसेजेस उसमें से या टेल अस इन द कमेंट्स, टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल रिस्पोंड टुगेदर और लाइकवाइज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।